बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मिक्स सब्ज़ी। और इससे पहले भी मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ 3 वेजिटेबल्स यूज़ की थी और वो मसाला थोड़ा सा उसका मैंने डिफरेंट बनाया था। ये थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है, मैंने सोचा मैं आपसे अपनी ये रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो चलें फिर इसको, इसकी इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ली है तकरीबन 1.5 किलो गाजर, 1.5 किलो गाजर है, 1 किलो शलजम है और 750 ग्राम मटर के दाने। ये 3 सब्ज़ियाँ ये हैं। और ये तकरीबन 1.5 किलो आलू लिए हैं मैंने, नए वाले आलू हैं, छिलका का छिलका होता है वो। और ये लिए मैंने 1.5 किलो। ये मेथी ली है मैंने 1 पाव, इसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया ये मेथी। और ये प्याज 1 कप भर के, फुल भर के 1 कप। और ये तकरीबन 3 दरमियाने प्याज काट लिया इनको मैंने बारीक। और ये 4 टमाटर दरमियाने साइज़ के। और ये सब्ज़ मिर्चें मैं अंदाज़े से डाल दूँगी, बहुत सारी हैं क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ना ये चटपटी अच्छी लगती है। और इसको मैं धो ली है मैंने, साफ़ कर ली है, लेकिन जब मैं इसको डालूँगी तो इनके ये जो नट ऊपर से उतार दूँगी। ये 1 कप दही भर के तकरीबन 250 ग्राम। और ये सारा नहीं जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये, मैं इसमें से तकरीबन 4 खाने के चम्मच यूज़ करूँगी। 1 कप भर के ऑयल जाएगा। और मसाले जैसे जैसे मैं आपको डालती जाऊँगी मैं आपको बताती जाऊँगी कि इसमें क्या जाएगा और मसाले। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं मिक्स सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और दुरूद शरीफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये ले लिया है एक बड़ा पतीला, क्योंकि काफ़ी सब्ज़ी है तो फिर मैंने सोचा मैं इसको इस तरह से शुरू करती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। सबसे पहले इसमें जाएंगी गाजरें, शलजम, पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, वेजिटेबल्स का ही पानी यूज होगा इसमें। ये टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चम्मच, आप वीडियोस को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पता चले कि मैं आपसे अपनी रेसिपी कैसे शेयर कर रही हूँ। कुकिंग विद हबीबा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दुआ में मुझे याद रखें। और इसमें जाएगी ये प्याज, ये चली गई इसमें। आलू चले गए इसमें। सब चीज़ें हमने इकट्ठी चढ़ा देनी है बस, और इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन जब तक ये गल जाएंगी। जब ये गलने वाली होंगी ना तब मैं इसमें ऑयल डालूंगी और मसाले भी मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट में कि कैसे मैंने मसाले। अभी तरह इसको मैं थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देती हूँ। एक यू हांडी की तरफ से शुरू करते हैं वेजिटेबल्स मिक्स सब्ज़ी। कुछ सब्ज़ियाँ मैंने डाल दी, मैंने कहा मैं आपके सामने डालती हूँ। ये आलू चले गए इसमें, ये टमाटर, प्याज पहले डाल दी थी मैंने, आपको दिखा दूँ बाद में। प्याज, टमाटर का पानी, और
बाकी जो बची थी सब्जियां ये एक्यू हांडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सारी सब्जियां चलिए और मेथी जी, मेरा तरीका यही है। इसमें मैंने डाल दिए हैं, पहले 2 खाने के चम्मच डाल चुकी हूँ, अब 2 और डाल रही हूँ आपके सामने। अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर भी डाल दिए, सब चीज़ें चली गई इसमें। अब डालेंगे हम इसमें मसाले। सारी चीज़ें डल चली गई, अब इसमें जाएंगे मसाले। मसाले तकरीबन इसमें जाएगा 1.5 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच, 1.5। ये चली गई पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी 1.5 चाय का चम्मच। जब इंग्रेडिएंट्स बता रही थी तो उस वक्त अगर कोई गलत हो गई हो तो आप माजरत के साथ आप लिख लीजिए क्या क्या चीज़ें डाल रही हूँ मैं। और धनिया जाएगा इसमें पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच भर के, 1 चाय का चम्मच भर के। और हल्दी जाएगी इसमें 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगी हल्दी फुल भर के फुल। और पिसा हुआ जीरा भी मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चाय का चम्मच। लेमन बस। और नमक जाएगा इसमें हंसते जाएगा 2 चाय के चम्मच डाल दूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से। आप डालें नमक जितना आपको पसंद है। इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और बस पकने के लिए छोड़ दूंगी। कोई पानी वानी कुछ नहीं डालना मैंने इसमें। जब ये थोड़ा सा गल जाएगी फिर मैं इसमें ऑयल डाल के इसको भून लूंगी बस। ये इसकी रेसिपी है। मसाला भून के भी बनाते हैं हम सब्जी, लेकिन ये तरीका भी बहुत पुराना है, मेरी नानी अम्मा बनाती थी ऐसे। मैंने सोचा आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर करते हैं। बस एक दफ़ा ऐसे आपने चला दिया चम्मच, ये थोड़ा सा नीचे हो जाएंगी, जब ये पानी आएगा ना इसमें ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगी, फिर हम इसको चम्मच चला के देख लेंगे कितना रेडी है। तो चलिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये तकरीबन 1/2 डन हो गई है सब्ज़ी। आलू गल गए हैं, गाजरें भी, लेकिन अभी पानी इसमें है। अभी मैं इसको पका रही हूँ और अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। दही मैंने इसमें नहीं डाली, पालूंगा दही जो है ना वो आलुओं को आलू गलते नहीं है दही डाल के। इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन, मैंने आपको बताई थी 1 पाव दही वो चली जाएगी इसमें। और ये सब्ज प्याज, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में, बहुत ज़्यादा अच्छा। और इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर दूँगी। अब मैं ऑयल भी डाल दूँगी इसमें ना, फिर जब बस ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा ऑयल ऊपर आ जाएगा, हम इसे भून के उतार लेंगे। फिर जैसे आलू गल गए हैं, गाजरे भी गल गए हैं, मटर भी गल गए हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारी गली ना हो, हर चीज़ गल गई है। नमक आप
चेक कर लीजिएगा आप। मैं अब इसमें डाल दूंगी ऑयल, इसमें थोड़ा है, मैं एक कप भर के डाल दूंगी। एक कप भर के हम इसमें ऑयल डालेंगे। और जब ऑयल सरफेस पे आ जाएगा तो हम इसे भून लेंगे बस। अब इस वक्त मैं थोड़ा सा चूल्हा तेज कर दूंगी क्योंकि सब्जियां जो है ना वो गल रही हैं। बस अब इसको हम उतार लेंगे। जब ये भून जाएगी ना अच्छे से, भून के हुए मैं आपको दिखाऊंगी भूनते हुए भी, जब वो रेडी हो जाएगी। सब्ज मिर्च रह गई थी, ऑयल डाल दिया, सब्ज मिर्च रह गई, इसमें डाल देंगे सब्ज मिर्च। ये मैंने काट ली कुछ, इसमें साबुत है, मैंने अब इसका चूल्हा जो है ना वो तेज कर दिया क्योंकि सब्जी जो है ना वो गल गई है और पानी है इसमें। मुझे बिल्कुल मैशी मैशी भी नहीं चाहिए, गली भी हो और खड़ी खड़ी भी हो, वो सब्जी अच्छी लगती है। इसका थोड़ा सा मैंने चूल्हा तेज कर दिया है, ये पकती पक जाएंगी ना फिर मैं इसको निकाल दूँगी। सब्जी रेडी है और मैंने सब्ज मिर्ची डाल दी थी, उसके बाद 5-10 मिनट पकाया इसको और बस अब इसको हम सर्व कर देंगे। बिल्कुल रेडी है ये जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मिक्स सब्ज़ी रेडी है। मैंने इसको खीरे के और प्याज के सलाद के साथ इसको सर्व कर दिया है। देखें गरम गरम है, बहुत मज़े की लगती है ये रेसिपी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखा करें ताकि आपको पता चले कि मैं अपनी रेसिपी आपसे कैसे शेयर करती हूँ, और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, कुकिंग विद हबीबा के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।